नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार का बजट हुआ पेश। बिहार का साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है, जिसके तहत बीते दिन इस बजट को बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 2,18,303 करोड़ का बजट पेश कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत काम कर रही है। 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4,671 करोड़ का बजट भी बनाया गया है। शिक्षा पर ध्यान देते हुए बजट में 38,035.93 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य के लिए 13,264.87 करोड़ का बजट दिया गया है। हर जिले में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर भी खोलने की बात कही गई है। कृषि विभाग को 3,335.47 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और उद्यमिता विभाग की अलग से स्थापना भी किए जाने की बात कही गई है। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में 35% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अविवाहित महिला इंटर पास अगर करती हैं तो उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्नातक उत्तीर्ण होने पर उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बजट में बाल हृदय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए राशि व्यय का प्रावधान दिया गया है। बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग को 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है और बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में पेश किया गया है। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाले रिक्तियां। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रेनी फील्ड असिस्टेंट के कुल मिलाकर 2,900 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.tangedco.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में केवल 13 जिलों में ही हो रहा है बालू का वैध खनन। अवैध बालू खनन की जानकारी समय समय पर सामने आती रही है। वहीं अब हाल ही में वैध बालू खनन की जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत राज्य के 38 में से 25 जिलों में नदी घाटों की बंदोबस्ती कर बालू खनन किया जाता रहा है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केवल 13 जिलों में ही बालू के वैध खनन की बात सामने आई है। हालांकि इस कारण बालू संकट जैसी किसी भी स्थिति में खान एवं भूतत्व विभाग ने इनकार कर दिया है। हालांकि खबरों की माने तो विभाग फिलहाल बंदोबस्ती संबंधी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस इंतजार में ही 25 जिलों में लगभग 350 नदी घाटों की नई बंदोबस्ती को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति भी अटकी हुई है। बजट में कृषि विभाग को मिला 3,335.47 करोड़ रुपए। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन बिहार का बजट पेश कर दिया है, जिसमें कृषि विभाग को 3,335.47 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं, हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए भी 550 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही बीते दिन पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान पेश किया गया है। आपको बता दें, बीते दिन सरकार का 16वां बजट पेश किया गया है। सरकार ने इस बार 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की तरफ से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या अब 6,44,54,749 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में 64,58,876 अधिक है। अंतिम मतदाता के पहले 19 दिसंबर 2020 को जारी पंचायत के प्रारूप मतदाता सूची में कुल 6,41,41,001 मतदाता थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद राज्यभर से कुल 3,78,408 दावा आपत्ति के आवेदन मिले थे। पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में नए मतदाताओं की संख्या 7 गुना अधिक 685.58% अधिक है। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना ने पकड़ी रफ्तार। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है, जिसके तहत जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत 168 किसान समूह के गठन का काम किया जा चुका है, जिसमें से सहकारिता विभाग और 105 समूह FPO में निबंधित किए गए हैं। इसके साथ ही बसोका ने भी अभी तक 88 समूह को जैविक खेती के लिए भी C1 प्रमाण पत्र निर्गत कराने का काम कर दिया है। इस बाबत कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि फरवरी के अंत तक सभी 168 समूह को प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए किसान अकेले और समूह के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण जैविक खेती के लिए 3 साल तक खेती करना जरूरी कर दिया गया है।
बिहार में फर्जी दस्तावेजों का चंद मिनटों में होगा सत्यापन। बिहार में फर्जी दस्तावेजों का चंद मिनटों में सत्यापन होने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज के सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसको शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की गैर मौजूदगी में हुई बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके बाद अब जल्द ही नियोजित शिक्षकों के संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसे अंतिम रूप में उपयोग करने से पहले सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू कर दिया है। सॉफ्टवेयर एक पोर्टल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी ट्रायल के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों का समाधान कर उसे त्रुटि शून्य कर लिया जाएगा। इसके बाद भी अंतिम रूप में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पर्यटन के तौर पर पटना का गांधी मैदान भी अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी का विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिमा यहीं पर स्थापित है। भारत की आजादी से जुड़ा कई रैलियां यहां से निकाली गई थी। कई महापुरुषों ने इस स्थान पर अपना यादगार भाषण दिया है। यह मैदान 60 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां आकर आप अलग ही प्रकार का आनंद ले सकते हैं। बिहार के बजट को लेकर विपक्ष ने कसा तंज। बिहार के साल 2021-22 के बजट को पेश कर दिया गया है, जिसके बाद पेश किए गए बजट पर विपक्ष ने भी तंज कसने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बजट पेश होने के बाद कहा कि बजट में किसानों, युवाओं और गरीबों की अनदेखी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह पूरा बजट झूठ का पुलिंदा है। इसमें पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और फर्जी डेटा के साथ सरकार ने काम किया, शायद ही देश में ऐसा काम किसी सरकार ने किया हो। बिहारवासियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की शुरू हुई तैयारी। बिहारवासियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि बिहारवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने की तैयारी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 35 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध होने वाले हैं। इसको लेकर जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं से 1000 नए एम्बुलेंस को जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में बिहार के तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की बात भी कही है। 6 मार्च को राजद करेगी रविदास जयंती का आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में अब पार्टी के ने 6 मार्च को रविदास जयंती समारोह का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो 6 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में राजद के तमाम दलित नेता भी मौजूद रहेंगे। राजद नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा है कि 6 मार्च को रविदास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर दिन में 11 बजे आयोजित किया जाएगा। बड़ी संख्या में रविदास समुदाय के लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार में आने वाले 24 घंटे में मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में आने वाले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहने वाला है। तापमान में दिन और रात के समय में और अधिक परिवर्तन भी देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 24 घंटों में बिहार में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप काफी तेज देखने को मिल रही है और प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी हवा का प्रवाह भी जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि हवा की गति लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही वर्तमान में कोई मौसमी गतिविधि नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद अगले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क और रात के तापमान में कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं है। दूसरे राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होता देख बिहार में भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करने और वहां पर सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जाएगा। एसके सिंघल ने कहा है कि बिहार में भी कोरोना को लेकर सख्ती बरती जाएगी और ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाना संभव हो सकता है। इसके साथ ही अधिक भीड़भाड़ वाले जगहों पर भी अधिक पुलिस बल की तैनाती की जानी है। विश्वविद्यालयों में नियुक्त गेस्ट टीचर को मिलेगा 50,000 वेतन। विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले गेस्ट शिक्षकों के लिए अहम सूचना। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को 50,000 रुपए वेतन के रूप में मिलने वाले हैं, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के मंत्री ने खुद साझा की है। आपको बता दें सदन में वीरेंद्र नारायण यादव ने सवाल किया था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में गेस्ट शिक्षकों की यूजीसी के प्रावधान के मुताबिक 50,000 रुपए वेतन देना चाहिए, लेकिन उन्हें यूजीसी के प्रावधान के मुताबिक इतना वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार इस बारे में स्पष्ट करे कि क्या विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को इतने वेतन मिलेंगे या नहीं। इसके जवाब में ही शिक्षा मंत्री ने उक्त दावा किया है कि जो कि अगले महीने से अब लागू हो जाएगा। एसके सिंघल ने पुलिस और जनता के बीच संबंध ठीक करने की कही बात। बिहार में बीते दिन से पुलिस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से 27 फरवरी तक जारी रहने वाला है, जिसकी शुरुआत बीते दिन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी और राज्य के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर बिहार पुलिस मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। वहीं इस मौके पर पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा है कि जनता के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार बनाकर रखना
जरूरी है ताकि हम अपने कार्य में सुधार और परिवर्तन ला सके। अब बिहार के भागलपुर में खुलेगा प्रेम विद्यालय। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव जयरामपुर में रहते हैं, मगर आज भी उनके दिल में प्रेम के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा अभी भी जीवित है। अब उन्होंने भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड स्थित अपने गांव में ही ओशो इंटरनेशनल स्कूल खोलने की तैयारी की है, जहां छात्रों को वो प्रेम की शिक्षा देंगे। पटना पहुंचे मटुकनाथ ने बताया है कि प्रेम विद्यालय की शुरुआत इसी साल अप्रैल से होगी। विद्यालय में भौतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक डेवलपमेंट की शिक्षा भी दी जाएगी। बिहार में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने की शाहनवाज हुसैन ने कही बात। बीते दिन विधानसभा का दूसरा सत्र विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ, वहीं विरोध के बीच शाहनवाज हुसैन ने भी अपना बड़ा फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष लगातार बिहार में उद्योग के अभाव के साथ साथ बिहार में बंद हो रहे चीनी मिल और सिल्क के उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि बिहार में सिल्क उद्योग को विकसित किए जाने की जरूरत है। इसी क्रम में बिहार के भागलपुर जिले को एक बार फिर से सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ किया गया सम्मानित। बतौर कलाकार हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जरूर सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में अब यह पुरस्कार बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मिली है, जिसके तहत सुशांत को क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, साथ ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसको लेकर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने पोस्ट किया है कि इस उपलब्धि के रास्ते पर आपके द्वारा दिखाए गए समर्पण का जश्न। दादा साहेब फाल्के क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने के लिए स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को बधाई, हम आपको याद करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया था। 1969 में आज ही के दिन अभिनेत्री मधुबाला ने आखिरी सांस ली थी। भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को सन 2010 में कतर की नागरिकता आज ही के दिन प्रदान की गई थी। 1969 में हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म हुआ था। 1954 में भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के नेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद ने 2004 में आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। पटना में सितंबर 2024 तक दौड़ेगी मेट्रो। राजधानी में सितंबर 2024 तक मेट्रो ट्रेन परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके बाद पटना में कुल मिलाकर 32.497 किलोमीटर में मेट्रो का परिचालन होने की संभावना है, जिसको लेकर दो कॉरिडोर चिन्हित भी किए जा चुके हैं। पहले कॉरिडोर में दानापुर से मीठापुर वाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन में मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर है। दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा तक होगा, जो गांधी मैदान, PMCH और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई 14.45 किलोमीटर बताई गई है। मेट्रो का काम तेजी से फिलहाल किया जा रहा है। लोजपा को लगा एक और करारा झटका। चिराग पासवान की लोजपा से कार्यकर्ताओं और नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 200 से अधिक लोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर जदयू का दामन थामने के बाद लोजपा को एक और करारा झटका लगा है। लोजपा की एकमात्र विधान पार्षद को भाजपा ने तोड़कर अपने पाले में शामिल कर लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने लोजपा की MLC नूतन सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। अब से वो भाजपा की MLC हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधान पार्षद नूतन सिंह के पति नीरज कुमार सिंह भी भाजपा के विधायक हैं। बिहार विधानसभा सत्र छोड़ दिल्ली पहुंचे तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो के ठीक होने की खबर लगातार सामने आ रही है, वहीं जैसे जैसे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है वैसे वैसे उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में अब राजद सुप्रीमो ने हाल ही में तेज प्रताप यादव को दिल्ली बुलाया है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को आनंद फानन में दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ विवादित बयान देकर घिरे तेज प्रताप यादव इस मामले में बातचीत कर सकते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि पिता की हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद से वो उनसे मिलने और उनकी सेहत का हाल जानने दिल्ली गए हैं। ट्रेन से दिल्ली रवाना होने के पहले उन्होंने कहा कि पिताजी से मिलने जा रहा हूं। पटना बाईपास में जाम की समस्या के लिए मंत्री ने पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। बीते दिन बिहार विधान परिषद में पटना बाईपास में रोज लगने वाले जाम का मामला उठाया गया था, जिसके बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह के NH 31 पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम की समस्या पर सवाल किया तो मंत्री के जवाब के बीच हस्तक्षेप करते हुए बाईपास जाम का मामला उठाया गया। मंत्री ने प्रश्न के जवाब में कहा है कि सड़क पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान समय समय पर चलता है, लेकिन फिर भी वो सभी जिलों के DM को इस पर नजर रखने के लिए पत्र लिखेंगे। उसके बाद नवल किशोर यादव ने कहा है कि यह काम DM से नहीं होगा, उनके पास बहुत काम होते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अतिक्रमण पुलिस के कारण ही होता है, इसलिए पुलिस को ही इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
मीटिंग में विराट के व्यवहार को लेकर सिलेक्टर्स ने किया खुलासा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को मैदान पर उनके आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है। एक कारण है कि विपक्षी टीम विराट के साथ भिड़ने से अक्सर बचती भी दिखाई देती है। इसी क्रम में अब मीटिंग के दौरान विराट के बर्ताव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत उनके व्यवहार को लेकर पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सरनदीप सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जब भी विराट कोहली टीम की मीटिंग में आते हैं तो वो एक से डेढ़ घंटे तक चलती है। विराट एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें इंटरनेशनल मैच में देखें तो वो बल्लेबाजी और फील्डिंग के दौरान हमेशा आक्रामक रुख अपनाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो हमेशा गुस्से में और घमंडी हैं और किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन मैदान पर जैसा लगता है वो वैसा असलियत नहीं है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से हो जाएगी लागू। व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को पेश किया था, जिसके बाद कंपनी को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अपने यूजर को पॉलिसी के बारे में समझाने के लिए कंपनी ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी, जिसके बाद अब कंपनी ने यूजर को 15 मई तक का प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए कहा था। लेकिन अब कंपनी ने इस बात को साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी 15 मई से लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप यूजर को समय खत्म होने से पहले नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गायत्री कुमारी, मनीष कुमार, दीपक श्रीवास्तव, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, शशि भूषण, राजन चौधरी, असलम राज, गणेश कुमार, विकी कुमार, आलोक कुमार, रोहित कुमार, ऋषि कुमार, मानवी कुमारी, जानवी कुमारी, ममता कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में बीते दिन पेश किए गए बजट से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।